साथियों, अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है, ये है सीईटी नाम की, तो आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा पुलिस में निकली हुई नई भर्ती के बारे में, जिसमें 5600 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और जिसकी अप्लाई डेट भी आ चुकी है। अप्लाई डेट क्या है और इसका सिलेक्शन आप कैसे पा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। फिजिकल इसमें क्या होगा, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिना देरी किए आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस तरह के अगर वीडियो देखते हैं और फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूं इम्तियाज, आपके लिए लेकर आया हूं आज की एक नई भर्ती की अपडेट, जिसका नाम है हरियाणा पुलिस भर्ती में निकली हुई 5600 पदों पर कांस्टेबल की नई भर्ती। आइए बात कर लेते हैं, आगे शुरू करते हैं। बात है हरियाणा HSSC पुलिस भर्ती 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, आउट हो चुका है। आप अपने स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक अपना दे रहा हूं, वहां से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप पिक कर सकते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 5600 है, 5600। इसमें अलग अलग पद है, रिजर्व पुलिस के भी हैं और कांस्टेबल के भी हैं, महिला और पुरुष दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो 16 अगस्त 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और जिसकी अप्लाई डेट शुरू हो रही है 10 सितंबर 2024 से। आप भारत में कहीं पर भी आपने 12th पास आउट किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हरियाणा के ही रहने वाले हों, अगर आप बाहरी राज्य से हैं तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई कुछ शर्त है, वो अपनी शर्त अभी आप पूरी बात देख लें। लास्ट डेट की बात करें तो साथियों 24 सितंबर 2024 को इसकी लास्ट डेट पूरी होगी और फॉर्म को आपको भरने को मौका मिल रहा है लगभग यहां पर 14 दिन, मतलब 2 हफ्ते का समय मिल रहा है, दो हफ्ते के अंदर फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए, मैं आपको ये अभी क्यों बता रहा हूँ, फॉर्म तो 10 सितंबर से आने वाला है, अभी तो बहुत सारा टाइम है। अरे साथियों, आप देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए जरा इसका, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, इसीलिए तो मैं आपको अपडेट देते रहता हूं, ताकि अगर आपने जो है इस भर्ती को भरना है, किसी भी भर्ती को भरना है, तो पहले से मैं आपको ये वीडियो बता देता हूं बनाकर, ताकि आप अपनी तैयारी को और धार दे दे और तेज कर लें, ठीक है। तो देखिए बात करें अगर फी की, तो फी है आपकी 0 रुपीज, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको कोई 1 रुपया भी किसी को भी नहीं देना है। अब आ जाइए सबसे बड़ी बात, क्वालिफिकेशन, जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 12th पास आउट किया हो और हरियाणा से सीईटी की डिग्री भी ली हो, सीईटी का जो स्कोर कार्ड होता है वो आपने पास आउट किया हो, ठीक है। और दूसरा है कि हिंदी या संस्कृत में आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए जब आपने 12th पास किया हो, ठीक है। अगर हिंदी या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज नहीं है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सैलरी की अगर हम यहां पर बात करें तो P3 मतलब पे स्केल 3rd के हिसाब से आपको 21,700 रुपए यहां पर आपको बनता है सैलरी। एज 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 25 साल यहां पर आपको रखी गई है और एज काउंट आपकी कब से हो रही है, 1 सितंबर 2024 से एज काउंट हो रही है। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहां पर मिल रहा है, उसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब आइए हम बात करने वाले हैं इसके सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज की, जिसमें है सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें बहुत ज्यादा चीजें रखी गई हैं, चूंकि हरियाणा में ऐसे ही होता ही है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको कई चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, वो डिटेल नोटिफिकेशन में है, प्लीज मैं जब कंप्यूटर से उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, वहां पे आ जाएगा, वरना आप भी पढ़ सकते हैं। जब मैं बनाऊंगा, कल बनाऊंगा उसका वीडियो, तो डिटेल बता दूंगा आपको। फिलहाल आप चाहें तो नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्ड पढ़ सकते हैं, चूंकि इतने से बोर्ड में सारी चीजें नहीं आने वाली हैं। देखिए, क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट है पहला फेज, इसमें आपको एक रिटन फेस करना होगा, वो पास होंगे तो आगे आप बढ़ जाएंगे। फिर फिजिकल मेजरमेंट है, दौड़ भाग करनी होगी फिजिकल में, उसमें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब आपको जो अपनी नपाई वपाई करवानी होगी। एडिशनल वेटेज आपको मिल रहा है, एडिशनल वेटेज आपको मिल रहा है, इसका मतलब कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर रखा गया होगा NCC वगैरह का, तो वहां पर आपको एडिशनल वेट मिल रहा है। नॉलेज टेस्ट आपका होगा, मतलब आपको जो है GK वगैरह की नॉलेज आती है, हरियाणा की जानकारी है थोड़ी बहुत, नहीं है इस तरह का भी यहाँ पर नंबर आपको मिलने वाला है। राइडिंग स्किल टेस्ट होगा आपका, आप हॉर्स वगैरह चला लेते हैं, नहीं चला पाते हैं, कैसे चलाते हैं, सभी की जानकारी आपसे रखी जाएगी। और MFTC पर भी आपका एक टेस्ट होगा, वो सारी डिटेल आप नोटिफिकेशन में प्लीज पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
जो मेन पैटर्न है हमारा रिटर्न पैटर्न। तो रिटर्न पैटर्न में आपको क्या क्या फेस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैंने आपको समझाई हुई है, उसको जरूर समझिए। देखिए रिटर्न पैटर्न में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.645 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने? 0.645 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। किसी भी गलत सवाल के लिए आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लेकिन ये नोट पॉइंट जरूर पढ़ लीजिए भाई, क्या है, ज्यादातर आप पेपर में देखते होंगे 4 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन नहीं होते, लेकिन आपको हरियाणा पुलिस भर्ती में 5 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। कैसे? 5 में से जिसमें से एक ऑप्शन चुनना ही होगा आपको, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट यू हैव टू ऑप्ट द वन ऑफ द 5 क्वेश्चंस, जो 5 ऑप्शंस होंगे सॉरी, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना ही पड़ेगा, आप उसे क्विट या छोड़ नहीं सकते हैं, क्लियर। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो चुनना तो सब पड़ेगा, आपको चुनना भी चाहिए। मान लीजिए आप छोड़ देते हो तो देखो नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि आप जिस भी क्वेश्चन को छोड़ोगे वहां से आपके 0.645 मार्क्स काट लिए जाएंगे, छोड़ने से खाली। मतलब गलत हो ना हो अलग बात है, गलत का नंबर नहीं कट रहा है, लेकिन छोड़ने का नंबर 0.645 कटा जा रहा है आपका, क्लियर। और एक चीज, अब कहोगे सर 5 क्वेश्चन दे, 5 ऑप्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर टाइम क्या बाई होगा? बिल्कुल टाइम बाई हो रहा है, 5 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए, एक एक्स्ट्रा जो 5th क्वेश्चन बढ़ रहा है उसके लिए आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट हो गए आपके लिए, और आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आ जाइए फिजिकल मेजरमेंट पर, कुछ बात कर लेते हैं, समझा देता हूं आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको जरूरत होगी। अगर आप मेल कैटेगरी के हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 12 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, वो भी 5 मिनट के अंदर। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 1 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, वो भी 6 मिनट के अंदर। ये होगी रनिंग की। अब बताइए जरा हाइट वगैरह पूछ लेते हैं आपकी। देखिए अगर आप मेल जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका चेस्ट होना चाहिए 83 से 87 सेंटीमीटर। बात करें अगर मेल रिजर्व कैटेगरी की तो 168 सेंटीमीटर यहां पर आपकी हाइट होनी चाहिए, जिसमें 81 से 85 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी में या जनरल पुलिस के लिए, और रिजर्व पुलिस के लिए फीमेल में 156 सेंटीमीटर की हाइट यहां पर आपको चाहिए होगी। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा आपको, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो MFSC है और राइडिंग स्किल की डिटेल है, नॉलेज टेस्ट की डिटेल, वहां आप खुद भी पढ़ेंगे। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके बारे में भी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट हमेशा करता हूं खुद नोटिफिकेशन पढ़ा करिए, ताकि आपको फॉर्म की लायबिलिटी और आपके चैनल की, जिस चैनल पर आप हैं उस चैनल के यूट्यूबर की लायबिलिटी का पता चले कि कहीं ऐसी वैसी कोई वीडियो तो बना देंगे जिसकी कोई डिटेल ही नहीं हो, है ना। तो आई होप कि आपने सारी चीज़ें समझ भी ली होंगी, अच्छे से पढ़ भी ली होंगी, जान भी ली होंगी, और आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हम लोगों को मिलता है एक तरह का बूस्टअप, जिससे आप लोगों के लिए ये नई नई भर्तियों की अपडेट आपको ऑलरेडी और टाइम से पहले दे देते हैं। और हाँ, लाइक शेयर तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से क्या होता है कि हम लोगों को हौसला मिलता है कि हाँ हाँ इतने बच्चों ने हम लोगों को लाइक किया है, एक बार लाइक करिए जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, जहाँ मिलने वाली एक नई भर्ती की अपडेट।